स्किन दिख रहा है ना? हाँ सर दिख रहा है। तो एग्जाम्पल 25, द वेलोसिटी ऑफ एंड ए ऑफ रिजिड रॉड प्लेस बिटवीन टू स्मूथ वर्टिकल वॉल्स इज यू अलोंग अ वर्टिकल डायरेक्शन। फाइंड आउट वेलोसिटी ऑफ एंड बी ऑफ दैट रॉड। रॉड ऑलवेज रिमेन्स इन कॉन्टैक्ट विद द वर्टिकल बॉर एंड ऑल्सो फाइंड द वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ द रॉड। ऑल्सो फाइंड इक्वेशन ऑफ पाथ ऑफ सेंटर ऑफ द रॉड। ठीक है, तो यहाँ इस तरह से दिया हुआ है, ये ग्राउंड है और ये वर्टिकल वॉल है और ये रॉड इस तरह से दिया है अपने को। तो ये कह रहा है कि ये वाई एक्सिस है, ये एक्स एक्सिस है और ये जो एंड है ये ए है और ये जो एंड है ये मैंने मान लिया कि बी है और ये एंगल थीटा है। तो कह रहा है कि ये जो रॉड का ये एंड है ना ये नीचे की तरफ आ रहा है ऐसे। तो आएगा कैसे, क्योंकि क्या हो रहा होगा, तो पहले रॉड मान लो ऐसा रही होगी, हमने इसको ऐसे धीरे से पुश किया तो रॉड क्या हो रही होगी, कुछ टाइम बाद ऐसे नजर आएगी अपने को रॉड। फिर कुछ टाइम बाद देखोगे तो रोड ऐसे नजर आएगी। तो आप देख रहे हो कि ये जो एंड है ना ये एंड किधर जा रहा है, इधर, और ये एंड यहाँ था फिर यहाँ आया, इसका मतलब ये एंड किधर आ रहा है, इधर। तो किसी इंस्टेंट पर ये एंगल थीटा बना रहा है, मान लेते कि ये वाली इंस्टेंट होगी ये जब ये थीटा बना रहा है, तो ये एंड ए है और ये एंड बी है। यहाँ तक क्लियर है? हमें बी की वेलोसिटी वेलोसिटी बताना है, बी की वेलोसिटी बताना है, इसके सेंटर की वेलोसिटी बताना है। ओके, तो देखो कैसे करेंगे, इसके करने के कई तरीके हो सकते हैं, है ना? तो कौन कौन से, पहला ये तरीका लेता हूँ देखो मैं, कि आप देखो कि ये जो रॉड है इसने कहा कि रिजिड रॉड है, तो रिजिड रॉड का मतलब हुआ कि इस एंड यानी रॉड का ये जो एंड के, अगर हम दोनों एंड के बीच का डिस्टेंस कभी चेंज नहीं हो रही तभी तो रिजिड रॉड है, यानी इस पॉइंट के बीच की जो डिस्टेंस है एल वो कांस्टेंट बनी हुई, यानी जब ये वर्टिकल था तब भी एल है, जब ऐसा हो गया तब भी एल है और जब ऐसा हो गया तब भी एल है, यानी ये इसकी जो टोटल लेंथ है वो चेंज नहीं कर रही। टोटल लेंथ चेंज नहीं करने का मतलब क्या हुआ, ये तो हमें समझ में आ रहा है कि इस बी पॉइंट की वेलोसिटी इधर की तरफ है, मैंने मान लिया कि बी भी है और इस एंड पॉइंट की वेलोसिटी इधर है। तो आप देख रहे हो कि ये एंगल कितना है, यहाँ ये 90 माइनस थीटा है, इसको एक्सटेंड करो आप, ये एंगल कितना है, थीटा है। तो अगर हम कह रहे हैं कि इस रॉड की लेंथ चेंज नहीं हो रही है, इसका मतलब इस रॉड की इसके अलोंग जो कंपोनेंट है दोनों पॉइंट का वो क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए, तभी तो डिस्टेंस चेंज नहीं हो रही है। तो ये वेलोसिटी अप्रोच क्या है इसका मतलब, या वेलोसिटी सेपरेशन क्या, यहाँ जीरो है तो तभी हो सकता है जब ये कंपोनेंट क्या होगा यहाँ, यानी इधर इसका कंपोनेंट होगा वी बी कॉस थीटा और इसका ये कंपोनेंट क्या होगा वी ए कॉस 90 माइनस थीटा, यानी कितना हो जाएगा वी ए साइन थीटा, और ये दोनों क्या होने चाहिए, दोनों इक्वल होने चाहिए, अभी तो डिस्टेंस चेंज नहीं हो रही। तो वी ए साइन थीटा इक्वल टू क्या होना चाहिए, वी बी कॉस थीटा, और वी ए की वैल्यू क्या दिया है यहाँ यू, है ना, यहाँ जो वी ए है तो कितना दिया हुआ इसने यू, क्योंकि ये यू से नीचे की तरफ आ रहा है, तो वी साइन थीटा इक्वल टू वी बी कॉस थीटा, यानी वी बी इक्वल टू क्या हो गया यू साइन थीटा बाई कॉस थीटा, यानी यू टेन थीटा। इस इंस्टेंट पर इसकी जो वेलोसिटी है वो ये है u tan थीटा है, ये बात समझ में आई पहले? हाँ सर समझा, है ना। अब आगे क्या कह रहा हो कि वेलोसिटी सेंटर मास की वेलोसिटी बताओ, तो सेंटर मास की वेलोसिटी ऐसे निकाल सकते हैं हम लोग, देखो इसका एक और तरीका है, ये तो मान लो फर्स्ट मेथड हो गया इसका, इसका सेकंड मेथड क्या है,
ये हमारे पास में क्या है, मान लेते हैं वाई है और ये ओरिजिन है, और ये मैंने मान लिया कि ये एक्स है, मान लो ये एंगल हमारे पास में थीटा है, ये जो एंड है नीचे कितने से आ रहा है, यू से आ रहा है, हमें इसकी वेलोसिटी बतानी है, और हमें ये भी मालूम है किसका सेंटर यहाँ है ना। तो इस इंस्टेंट की अगर आप बात करोगे तो हमें ये भी मालूम है कि ये एल बाई टू, अगर टोटल लेंथ है ले तो ये कितना हो जाएगा इसके लिए, एल बाई टू साइन थीटा हो जाएगा ना, और ये कितना हो जाएगा एल बाई टू कॉस थीटा, यानी वाई इक्वल टू क्या आ गया हमारे पास में, एल बाई टू साइन थीटा आया कि नहीं, और एक्स इक्वल टू क्या आ गया, एल बाई टू कॉस थीटा, ये बात समझ में पहले तो नहीं yes, इसकी क्या नहीं नहीं इसके वो तो वाई हो गया, इसके कोऑर्डिनेट लेता हूं मैं एक्स डैश कोमा वाई डैश, तो ये क्या होगा, ये वाई डैश हुआ और ये क्या हो गया एक्स डैश हुआ, ये बात समझ में आई पहले तो। हाँ सर समझा भाई, इस पॉइंट का तो समझ में आ गया ना तो सबको, ये इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट मैंने ये लिया है तो ऐसा लिख सकता हूँ। अब एक चीज और यहाँ देखो आप ध्यान से, मैं y इक्वल टू एल साइन थीटा ले सकता हूँ ना, इसको डिफ्रेंशिएट करता हूँ मैं t के रेस्पेक्ट में, ऐसा लिख सकता हूँ लिख सकता हूँ मैं, बताइए पहले तो, क्योंकि इसकी टोटल लेंथ तो एल ही है ना, ये बात समझ में आ रही भाई सबको। तो डी वाई इक्वल टू क्या लिखोगे आप t के रेस्पेक्ट में करें तो l, ये क्या हो जाएगा cos थीटा और ये इन टू डी थीटा बाई डी टी, याद आ रहा है चेन रूल लगाया मैंने t के रेस्पेक्ट में कर रहा हूँ मैं। आप यहाँ देखो थीटा इंक्रीज कर रहा है कि डिक्रीज, थीटा इंक्रीज कर रहा है कि डिक्रीज कर रहा है, देखो पहले थीटा यहाँ था एक तरह से, फिर थीटा क्या हो गया स्मॉल हो रहा नहीं ये, तो थीटा डिक्रीज कर रहा है और वाई भी क्या कर रहा है, डिक्रीज ही कर रहा है, वाई डिक्रीज कर रहा है, तो ये हमने डिफरेंशिएशन में बात हुई थी, इसको क्या लिख सकते हैं माइनस यू लिख सकता हूँ ना, क्योंकि ये जो एंड है वो यू से नीचे आ रहा है और वाई को क्या कर रहा है डिक्रीज कर रहा, तो माइनस यू लिख सकते हैं इक्वल टू u cos थीटा, इसको d थीटा बाई डी टी अपने आप नेगेटिव आ गया है, तो यहाँ से मैं d थीटा बाई डी टी निकाल लूँ क्या मिलेगा माइनस u बाई l cos थीटा, ऐसे लिख सकते हैं ये आ गया हमारे पास में। अब यहाँ देखो अगर मैं इसको यहाँ डिफ्रेंशिएट करता हूँ dx dx dash by dt equal to क्या हो जाएगा l by 2 minus sin theta into d theta by dt लिख सकते हैं। यहाँ देखो dx dash by dt ये क्या है l by 2 minus sin theta और d theta by dt की वैल्यू क्या है minus u l cos theta है, यानी अल्टीमेटली कितना आ गया है u by 2 ये आ गया tan theta, यानी ये क्या है ये वी एक्स है ना, किसका वी एक्स है इस पॉइंट का, इस पॉइंट का, इस पॉइंट का यानी सी पॉइंट का सेंटर, जो रॉड का सेंटर है उसका ये वी एक्स कंपोनेंट है कि नहीं, ठीक है। उसी तरह यहां से देखो डी वाई डैश बाई डी टी इक्वल टू एल बाई टू कॉस थीटा डी थीटा बाई डी टी, डी थीटा बाई डी टी की वैल्यू यहां से रख देंगे एल बाई टू कॉस थीटा इन टू माइनस यू एल कॉस थीटा, तो ये क्या है दरअसल ये वी वाई हो गया ना उसका, लेकिन ये क्या हो जाएगा माइनस एल से एल कैंसिल आउट हो गया, ये हो गया यू बाई टू। इसका मतलब सी पॉइंट की वेलोसिटी क्या हो गई वी एक्स आई कैप प्लस वी वाई जे कैप, तो ये क्या हो गया माइनस यू बाई टू तो vx कितना है देखो u by 2 tan theta minus u by 2 यानी ये क्या हो गया i cap, ये क्या हो गया j cap, तो vc magnitude निकालो तो क्या मिलेगा u by 2 tan theta
होल स्क्वायर प्लस माइनस यू बाई टू होल स्क्वायर। तुम्हारे पास यू बाई टू को बाहर ले लो, अंदर क्या मिलेगा, वन प्लस टेन स्क्वायर थीटा इसकी पावर ऑफ वन प्लस टेन स्क्वायर थीटा क्या होता है, सेक स्क्वायर थीटा, यानी कितना आ गया यू बाई टू सेक थीटा। तो सेंटर मास की वेलोसिटी क्या आ गई, ये आ गई। और यहाँ देखो आप डी थीटा बाई डी टी मिल गया। अब इसी से देखो आप, हमें ये भी तो चाहिए ना, तो सेकेंड मेथड से हमें ये भी चाहिए वी भी। तो आप देखो टोटल कितना है, एक्स है, इसे एक्स को क्या लिख सकते हो आप, एक्स इक्वल टू एल कॉस थीटा लिख सकते हो, ये बात समझना है, एक्स इक्वल टू क्या लिख सकते हो आप, ये टोटल लेंथ, क्योंकि टोटल लेंथ यहाँ से यहाँ तक की एल है ना, एल कॉस थीटा लिख सकते हो, इसको डिफ्रेंशिएट करो देखो, तो डी एक्स बाई डी टी इक्वल टू क्या लिखोगे, एल माइनस साइन थीटा डी थीटा बाई डी टी, डी थीटा बाई डी टी की वैल्यू ये है आपके पास में, इस वैल्यू को यहाँ से इसमें रख दो, तो कितना आ गया, यानी ये हमें क्या दे रहा है, ये वी बी हो गया, तो वी बी इक्वल टू क्या हो गया, माइनस एल साइन थीटा, और डी थीटा बाई डी टी क्या है यहाँ, माइनस यू यू बाई एल। U by L, और यहाँ क्या हो गया cos theta, आप देखो L से L cancel out गया, plus U क्या गया tan theta, ये तो velocity इस point की भी थी, ये देखो ये भी मिल गया, और center mass की velocity भी मिल गई, इसको लिख लो पहले, अब इसने कहा कि एक बार लिख लो फिर नीचे का दिखाता हूँ। अगर कोई कॉन्सेप्ट समझ में नहीं आता आपको लगता है तो आपके पास रिकॉर्डेड लेक्चर है ना, आप उनको भी देख लिया करो, उससे क्लियर हो जाएंगे वो तो कॉन्सेप्ट। एक दो बार देखोगे ना आप बार, बताओ अपने आप समझ आ जाएगा कि वो क्या रहा है। ऊपर का लिखना है ना,
लिख लिया? यस सर। अब इसने एक और पॉइंट कहा है कि जो सेंटर है वो किस पाथ में जा रहा है, उसकी इक्वेशन भी बताओ कि उसके पाथ की इक्वेशन यानी ट्रेजेक्ट्री इक्वेशन भी बताओ कि। तो आप देख रहे हो कि हमारे पास में मैंने ये दो इक्वेशन लिखी हैं, सेंटर मास का ये क्या दे रहा है, पोजीशन दे रहा है कि नहीं दे रहा है, इसका जो सेंटर है रॉड का, रॉड के सेंटर की पोजीशन यहाँ से मिल रही है कि नहीं मिल रही अपने को। तो आप यहाँ देखो कि यानी एक्स और वाई डैश है मान लो, इसको मैं एलिमिनेट कर दूं, किसको, थीटा को, थीटा को एलिमिनेट करते हैं एक्स और वाई में, क्योंकि इक्वेशन मिलेगी ना, जैसे हमने प्रोजेक्ट एल में देखा तो वहाँ टाइम को एलिमिनेट किया था, यहाँ थीटा को एलिमिनेट करेंगे क्योंकि थीटा कंटिन्यूसली यहाँ चेंज हो रहा है, एक्स और वाई में अपने को लेना है, लेके आना है, तो दोनों का स्क्वायर करके ऐड कर दूं मैं, तो पाथ इक्वेशन ऑफ सेंटर ऑफ रोड तुम्हारे पास में क्या है, वाई डैश इक्वल टू एल बाई टू साइन थीटा है और एक्स डैश इक्वल टू एल बाई टू कॉस थीटा है, क्यों है वो भी बताता हूँ मैं आपको। देखो क्योंकि एक्स डैश तो ये वाला, एक्स डैश तो ये हुआ ना, और ये वाई डैश हुआ, यानी मतलब क्या, देखो यहां समझाते हैं आपको, एक्स डैश है वाई डैश है, तो एक्स डैश क्या हुआ यहाँ, ये हुआ ना, ये एंगल अगर थीटा है तो, लेकिन ये क्या मिलेगा आपको, क्योंकि ये एल बाई टू है, एल बाई टू कॉस थीटा ना, और ये टोटल क्या मिलेगा आपको, एल कॉस थीटा, तुम्हारा एक्स डैश क्या हो गया, एल कॉस थीटा माइनस एल बाई टू कॉस थीटा ना, एल बाई टू कॉस थीटा आ गया, और ये क्या हमारे पास में वाई डैश, वाई डैश क्या, देखो यहाँ एल बाई टू साइन थीटा परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेन्यूज, अब दोनों का स्क्वायर करके ऐड कर दो, तो यानी वाई डैश का होल स्क्वायर प्लस एक्स डैश का होल स्क्वायर क्या लिखोगे, एल साइन थीटा का होल स्क्वायर प्लस एल बाई टू, एल बाई टू साइन थीटा का होल स्क्वायर प्लस एल बाई टू कॉस स्क्वायर, एल बाई टू कॉस थीटा का होल स्क्वायर, यहां से एल स्क्वायर बाई को बाहर ले लो, अंदर क्या मिला, एक्स स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, ये क्या होता है वन, यानी हो गया एल स्क्वायर बाई फोर, ये किसकी इक्वेशन आ रही, देखो ये सर्कल की इक्वेशन होती है मालूम है, ये क्या है सर्कल की इक्वेशन, जिसका सेंटर कहाँ है, ओरिजिन पर है, यानी इसका मतलब है कि सेंटर ऑफ मास जो यानी सेंटर है इस रोड का, वो क्या कर रहा है, सर्कल में घूम रहा है, और इसकी जो रेडियस है ये आर, आर दरअसल एल बाई टू होता है,
क्योंकि ये आर स्क्वायर होता है दरअसल, आर की वैल्यू क्या हो गया एल बाई टू, और ये सर्कल में, यानी इसका मतलब है कि सेंटर मास ऐसे मूव करता हुआ रहा है, यानी रोड का जो सेंटर है वैसे आ रहा है, क्योंकि जब रोड पहले वर्टिकल था यहाँ, जब रोड यहाँ रहा, यहाँ था वर्टिकल, सेंटर कहाँ था इसका, यहाँ था, और अभी रोड इस तरह से हो गया, सेंटर कहाँ इसका, यहाँ है, यानी सेंटर ऐसे मूव कर रहा है, और ये एंगल थीटा है, ये कहने का मतलब है, मेरे ख्याल से बात समझ में आ गई होगी। सेंटर मास दरअसल ऐसे मूव कर रहा है, ओके भाई, क्लियर है क्वेश्चन सबको? इस तरह से करना था, ये भी लिख लो आप लोग, फिर मैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाता हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन ये है, पार्टिकल इज मूविंग अलोंग स्ट्रेट लाइन, ये लिख लो, फिर इस क्वेश्चन पे आता हूँ। लिख लिया आप लोगों ने? हाँ सर, लिख लिया। चलिए फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 9। दिया हुआ है पार्टिकल इज मूविंग अलोंग ए स्ट्रेट लाइन और उसकी वेलोसिटी वेरी कर रहा है v इक्वल टू 6 माइनस 2t, वेयर v इज इन मीटर पर सेकंड, t इन सेकंड्स। इफ द डिफरेंस बिटवीन डिस्टेंस ट्रेवल्ड एंड मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट इन 4 सेकंड्स इज 2m, इसका मतलब क्या हुआ कि पार्टिकल, देखो आप पार्टिकल क्या कर रहे हैं, इसका मतलब अपना क्या कर रहा है, रिटर्न होके आ रहा है। देखो यहाँ एट टी इक्वल टू जीरो पर इसकी वेलोसिटी, देखो v इक्वल टू u इक्वल टू कितना आ रहा है, 6 मीटर पर सेकंड आ रहा है, इसको डिफ्रेंशिएट करो तो dv बाई dt इक्वल टू क्या आ रहा है, माइनस 2, यानी इसका जो एक्सेलरेशन है वो 2 मीटर माइनस आ रहा है, इसका मतलब वेलोसिटी के अपोजिट है, तो स्पीड क्या करेगी यहाँ, कम होगी, और यहाँ देखो वेलोसिटी कहाँ जीरो हो रही है, वेलोसिटी 3 सेकंड में, इसका मतलब है पार्टिकल मान लेते हैं कि ओरिजिन से स्टार्ट करता है, तो t इक्वल टू जीरो पर यहाँ था, ये x इक्वल टू जीरो है, इसकी इनिशियल वेलोसिटी अपने को दिया हुआ है 6 मीटर पर सेकंड है, और इसका रिटार्डेशन है इधर कितना है 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, तो पार्टिकल जाता है और वेलोसिटी कहाँ जीरो हो रही है, इसकी वेलोसिटी जीरो यहाँ हो रही है, वेलोसिटी जीरो यहाँ रही, यानी कितने टाइम में, t इक्वल टू 3 सेकंड में, और एक्सेलरेशन क्या है, कॉन्स्टेंट, इसका मतलब यहाँ t इक्वल टू 4 सेकंड में यहाँ करी है, तो ये तो इसका डिस्प्लेसमेंट हो गया ना, और ये डिस्टेंस हो गई, यानी a से b, यानी ए बी प्लस बी सी, ये डिस्टेंस हो गई, तो क्वेश्चन में कह रहा हो इफ द डिफरेंस बिटवीन डिस्टेंस ट्रेवल्ड एंड मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट, तो क्या करेंगे, पहले जीरो से, यानी पहले ए टू बी के लिए बात कर लेंगे, यानी कहाँ तक के लिए बात करेंगे, t इक्वल टू जीरो से लेकर t इक्वल टू 3 सेकंड के लिए डिस्प्लेसमेंट निकाल लेते हैं, तो v स्क्वायर इक्वल टू u स्क्वायर प्लस 2s, फाइनल वेलोसिटी जीरो इनिशियल, माइनस 2 इंटू एस ए बी, कितना हो गया 36 इक्वल टू 4 एस ए बी, तो एस ए बी इक्वल टू कितना हो गया 9 मीटर,
और यहाँ से देखो 1 सेकंड ही तो चला है, क्योंकि यहाँ 3 सेकंड तो यही, तो बी से सी 1 सेकंड चला, तो यानी बी टू सी के लिए क्या कर सकता हूँ मैं, बी टू सी के लिए अगर मैं जाता हूँ तो ये वाली इक्वेशन यूज कर लेता हूँ, एस बी सी इनिशियल वेलोसिटी 0 है प्लस हाफ एक्सेलरेशन उधर की तरफ 2 है इनटू 1 का होल स्क्वायर, तो कितना हो गया है 1 मीटर ना, तो इसका डिस्प्लेसमेंट कितना हो, देखो मैग्नीट्यूड तो वो हो गया 8 हो गया ना, मतलब 9 माइनस 1 करेंगे ना कितना आ रहा है 8 मीटर आ रहा है, तो क्या कह रहा है इफ द डिस्टेंस बिटवीन डिफरेंस बिटवीन डिस्टेंस कवर्ड कितना है 9 माइनस 8 10 मीटर हो जाएगा, ठीक है। ये गैलेक्सी M21 वही है क्या सत्य में क्या? हाँ सर शायद से वही है, उसका वही फोन है। तो उस गैलेक्सी उससे ज्वाइन किया उसने, पक्का ना वही है? हाँ सर उसका वही फोन है। तो ये हमारे पास आ गया, यानी ये आ गया डिस्टेंस आ गया हमारे पास, है ना। इन दोनों का डिफरेंस यानी 10 माइनस 8 इक्वल टू 2 है, तो ये कह रहा है कि ये इक्वल टू 2n है, तो n की वैल्यू क्या होगी इस केस में 1 आ जाएगी। क्लियर है भाई सबको, लिखना है क्या? हो गया सर। हो गया। नेक्स्ट हमारे पास में ये क्वेश्चन हो ही गया था, अब एक और क्वेश्चन है NLM का, वो भी बताया था मैं आपको। ये एग्जाम्पल 26 है, इसमें अपने को दिया भाई कि ये एक वेज है, ये एंगल थीटा है, ये कैपिटल एम है, स्मॉल एम है, ब्लॉक ऑफ मास एम स्लाइड्स ऑन वेज ऑफ मास एम विच इज, अच्छा दोनों का मास स्मॉल एम, फ्री टू मूव ऑन द हॉरिजॉन्टल ग्राउंड, फाइंड द एक्सेलरेशन ऑफ वेज एंड ब्लॉक, ऑल सरफेस आर स्मूथ। होगा क्या एक्चुअली इसमें? ये हमारे पास में दिया हुआ है, ठीक है। तो करना क्या है इस तरह के क्वेश्चंस को,
जब भी इस तरह का कोई भी क्वेश्चन आए ब्लॉक के ऊपर, अगर ब्लॉक है तो क्या करना है, ये इस ब्लॉक को ये ए मान लेता हूँ, ये ब्लॉक को बी मान लेता हूँ, तो आप देख रहे हो कि ये जो बिगर ब्लॉक है, जो वेज है बी, ये तो हॉरिजॉन्टल के रेस्पेक्ट में हमेशा ऐसे मूव करेगा, लेकिन ये जो ब्लॉक है ये इसके रेस्पेक्ट में, किसके, वेज के रेस्पेक्ट में अलोंग द इंक्लाइन प्लेन मूव करेगा, लेकिन ग्राउंड के रेस्पेक्ट में तो कहीं और मूव कर रहा है। कैसे, इसको थोड़ा समझ लेते हैं हम लोग। मान लो किसी टाइम टी बात देखेंगे तो ये वेज यहाँ कहीं मिलेगा अपने को, तो आप देख रहे हो कि ये ब्लॉक तो यहाँ कहीं होगा ना, देखो, तो इसके रेस्पेक्ट में तो अलोंग द इंक्लाइन प्लेन मूव कर रहा है, लेकिन ग्राउंड के रेस्पेक्ट में अगर आप बात करो तो ग्राउंड के रेस्पेक्ट में इधर कहीं मूव कर रहा है, देखो ग्राउंड के रेस्पेक्ट में कैसे जा रहा है, अगर आप ग्राउंड के रेस्पेक्ट में देखोगे तो एक्चुअल में देखा जाए तो कैसे जा रहा है, तो ऐसे जा रहा है ग्राउंड के रेस्पेक्ट में, तो क्या करेंगे हम लोग यहाँ कि ये जो वेज है इसका तो एक्सेलरेशन में ग्राउंड के रेस्पेक्ट में मान लूंगा, थीटा है, इसका एंगल थीटा है, तो इसका ग्राउंड के रेस्पेक्ट में मैंने मान लिया कि इसका एक्सेलरेशन जो है बी है, और इसका ए का एक्सेलरेशन मैं वेज के रेस्पेक्ट में मान लेता हूँ, एक्सेलरेशन ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू बी ए मान लेता हूँ, और ये एक्सेलरेशन ऑफ बी विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड मान लेता हूँ। तो जब भी ऐसा कोई भी क्वेश्चन आए तो ऐसा ही करना जैसा मैं बोल रहा हूँ, कभी कोई गलत आंसर नहीं आएगा और कोई कंफ्यूजन भी क्रिएट नहीं होगा। तो इसका ए का एक्सेलरेशन बी के रिस्पेक्ट में ए मान लेंगे, तो क्या करेंगे, कौन कौन से फोर्स लग रहे हैं, एफ बी डी बना लेते हैं दोनों का, तो आप देखो कि इसको डाउनवर्ड एम जी लग रहा होगा, इसको नॉर्मल ऐसे लग रहा होगा, है ना, और इसके रेस्पेक्ट में जाके बात कर रहा हूं मैं, तो विद रेस्पेक्ट टू वेज इसको शूडो फोर्स किधर लगेगा, इधर लगेगा ना, कितना लगेगा, एम इंटू बी लगेगा, क्यों, क्योंकि वेज का एक्सेलरेशन बी है ना, और इस ब्लॉक का मास एम है, तो इसके रेस्पेक्ट में ये हमेशा ऐसे ही मूव करेगा, क्योंकि इस, जब इसके रेस्पेक्ट में बात करेंगे तो इसको तो रोक देंगे ना हम लोग, तो आप देखोगे कि हमारे पास में ये वेज तो क्या होगा, रुक गया, तो आप देख रहे हो कि ये एंगल कितना होगा, 90 माइनस थीटा है, 90 माइनस थीटा, तो एंगल कितना हो जाएगा थीटा, तो ये एंगल भी कितना होगा थीटा, और ये एंगल कितना मिलेगा थीटा, तो यहाँ देखो एम जी का एक कंपोनेंट इधर हो जाएगा, क्योंकि हमने इसके अलोंग एक्सेलरेशन क्या माना, इसका ए, क्योंकि ए क्या है यहाँ, एक्सेलरेशन ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू बी है, इधर कंपोनेंट क्या जाएगा एम जी कॉस थीटा, इधर क्या जाएगा एम जी साइन थीटा, और एम बी का इधर एक कंपोनेंट क्या जाएगा एम बी कॉस थीटा, और इधर क्या जाएगा एम बी साइन थीटा, तो इसके अलोंग यानी नॉर्मल के अलोंग वाला तो बैलेंस कर जाएगा, यानी इसका मतलब एम बी साइन थीटा प्लस एन इक्वल टू क्या होगा यहाँ एम जी कॉस थीटा, और इसके अलोंग द इंक्लाइन प्लेन क्या लिखोगे एम बी कॉस थीटा प्लस एम जी साइन थीटा इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन, एक इक्वेशन तो ये आ गई, एक इक्वेशन ये आ जाएगी, आप यहां देखो अननोन तीन है हमारे पास में, कौन कौन सा है ए बी और एन, इक्वेशन तो हमें दो ही मिली है, तीसरी इक्वेशन कहां से आएगी वेज से, क्योंकि वेज ग्राउंड के रेस्पेक्ट में किधर मूव कर रहा है राइट साइड में, उस पर नॉर्मल किधर लग रहा है, इसको नॉर्मल इधर लग रहा है, नॉर्मल का ये जो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है ये तो इसको पुश कर रहा है,
तो आप देख रहे हो कि ये एंगल अगर थीटा है तो एंगल कितना है 90 माइनस थीटा, यानी इसका एक कंपोनेंट क्या होगा एन कॉस 90 माइनस थीटा यानी एन साइन थीटा। साइन थीटा की वजह से क्या मिल रहा है इसको, एक्सेलरेशन बी मिल रहा है, इसका भी मास एम है, क्या हो जाएगा एन साइन थीटा इक्वल टू एम बी। इक्वेशन नंबर थ्री, तीन अननोन है, तीन इक्वेशन है, सॉल्व करेंगे आंसर मिल जाएगा, इस तरह से करना था। लिख लो इसको सर। हाँ बोलो सर, एग्जांपल 27 में भी हम सूडो फोर्स लगा सकते हैं, लेकिन उसमें स्ट्रिंग है। एग्जांपल एग्जांपल 27 कौन सा, 27 में हम सूडो फोर्स लगा सकते हैं। हमारा 27 इसमें भेजा आपने बात वाला? नहीं नहीं, ये तो मैं तो व्हाट्सएप पे भेजा हुआ है, उससे कर रहा हूँ मैं तो। ओके सर, आप मुझे भेज दो क्या है, अभी कर दूंगा मैं, ठीक है है ना। तो इस तरह से कर लीजिएगा, क्वेश्चन भेजो तो मैं करता हूँ भी क्या उसमें। अगर ऐसा बन रहा है ब्लॉक के ऊपर ब्लॉक है तो सूडो फोर्स से कर लो, ज्यादा आसान हो जाएगा। ऐसे क्वेश्चंस को हमेशा ऐसे ही करना है तो आपकी इक्वेशंस भी कम मिलेगी। तो इसमें वो भी ला सकते हैं ना, एक्सप्लेनेशन अलोंग द कॉमन नॉर्मल इक्वल होता है। हाँ कर सकते हो ना, तो उसका कि ग्राउंड के रेस्पेक्ट में एक एक्सेलरेशन मानना होगा और फिर उसके अलोंग करना पड़ेगा तो आ जाएगा उससे भी। उसमें एक एक्स्ट्रा इक्वेशन मिलती है, उसमें चार इक्वेशन लिखनी पड़ेगी आपको, इसलिए नहीं किया मैंने उसके, क्योंकि इसके रेस्पेक्ट में जाके करोगे तो तीन इक्वेशन लिखनी पड़ती है। कर सकते हो उसके थ्रू भी कर सकते हो। ओके यहाँ तक समझ में आ गया? यस सर। मैंने लास्ट क्लास में आपको एंगल ऑफ रिपोज, एंगल ऑफ फ्रिक्शन के बारे में बात किया था है ना, फिर कुछ क्वेश्चन मैंने कहा था कि करेंगे अभी, तो मैं अभी और भी एग्जांपल यहाँ ले लेता हूँ। तो फ्रिक्शन को लेकर बात कर लेते हैं, फिर आप लोग ट्राई करेगा क्वेश्चंस है ना। मैं और क्वेश्चन ले लेता हूँ यहाँ। हाँ तो मैं बोला है ना गैलेक्सी के नाम से ज्वाइन हुआ है भाई, वो सत्यम ही हो ना भाई गैलेक्सी वाला। हाँ सर पता नहीं, ये बोला है ना मुझे किसी ने सत्यम था, वो गैलेक्सी वाला कौन था? फ्रेम ऑफ रेफरेंस तो सिंपल, आप जैसे घर में बैठे हो तो आप रेस्ट पर हो, कार के अंदर बैठ गए तो वो फ्रेम ऑफ रेफरेंस में चले गए आप, यानी उस कार के रेस्पेक्ट में चले गए। गैलेक्सी ये कौन है भाई, सत्यम है ना भाई, नाम ऐसे ड्रॉप कर दे भाई। गैलेक्सी M21 कौन है, नाम से आया करो ना, फिर मैं निकाल के बाहर फेंकू क्या, रिमूव कर दूंगा अभी मैं। मैसेज ड्रॉप कर देना भाई, मैं सत्य में कौन है गैलेक्सी 21 मैं रिमूव कर दूं, बोलो मेरी स्क्रीन शेयर हो रही दिख रहा है ना, रिमूव करूं मैं बेटा? मैसेज ड्रॉप कर देना, हाँ मैं ही हूं यार। कौन कौन कह रहा था कि ये सत्य में है? सर मैं शिवास। तो पक्का? हाँ सर सत्य में है ना ये। हाँ सर, उसके लैपटॉप पे कुछ तो प्रॉब्लम हो रही थी लॉगिन में, तो इसने उससे किया था। मतलब वही तो मैं पूछ रहा हूँ ना, मतलब है ना, मतलब क्योंकि मेरे पास एक मैसेज भी आया है इसलिए कह रहा था। ठीक है कोई बात नहीं, पनवेल है ना। चलिए कोई बात नहीं, चलो और क्वेश्चन करते हैं और प्रैक्टिस कराता हूँ आपको फिक्शन में, आपको फिर आप क्वेश्चंस करिएगा इसके भी, और डीपीपी भी करते रहो तो आपको क्या है कि धीरे धीरे परफेक्शन तब आने लगेगा।
जैसे कुछ क्वेश्चन मैं यहाँ करवा रहा हूँ आपको, मेरे ख्याल से एग्जांपल्स दिए होंगे आपके भी, तो हमने ये कुछ क्वेश्चन करे थे लास्ट क्लास में, जैसे एग्जांपल 11 भी किया था हम लोगों ने, ये किया ना हम लोगों ने एग्जांपल, फाइंड द एक्सेलरेशन ऑफ ब्लॉक, इनिशियल द ब्लॉक इज एट रेस्ट, फाइंड आउट एक्सेलरेशन ऑफ द ब्लॉक, ये एग्जाम्पल्स किए ना हम लोगों ने लास्ट टाइम, फाइंड आउट एक्सेलरेशन ऑफ द ब्लॉक फॉर डिफरेंट रेंजेस ऑफ एफ, ये क्वेश्चन हो गए थे ना। फिर हमारे पास में फाइंड आउट एक्सेलरेशन ऑफ द ब्लॉक, इनिशियल द ब्लॉक इज एट रेस्ट, ये 51 न्यूटन जिस पे लग रहा है, ये एग्जांपल कौन सा है आपके 51 में? 13 मेरे 13 एग्जांपल में दिया फाइंड आउट एक्सेलरेशन ऑफ द ब्लॉक, इनिशियल द ब्लॉक इज एट रेस्ट, एक 10 केजी का ब्लॉक है, 51 न्यूटन फोर्स लग रहा है, ये कौन सा एग्जांपल है आप लोगों? हां सर की कौन सा एग्जांपल है? 15 है ना, ठीक है 15. ये एग्जांपल तो किया ना हम लोगों ने कि नहीं किया? Yes, 13, 14, 15, 16 किया है। नहीं नहीं आपके तो ये कौन सा 15 है ना ये? हाँ सर। तो 15 कर लिया था, 16 कर लिया था, हाँ सर, 17 कर लिया था, 18 कर लिया था सर, 17 नहीं किया था, 17 यही है ना, the angle of inclination slowly increased, यही है ना? हाँ सर। Find out the angle at which the block starts moving, कल करवाया था ना angle of repose, याद आ रहा है? ये वही क्वेश्चन है, करिएगा अब आप लोग। मैं ये बताता हूँ example 16 कैसे करेंगे, सॉरी वो 17 था तो 18 बता रहा हूँ मैं आपको। Find out the acceleration of the block if the block is initially at rest. एक inclined plane दिया हुआ, यही question है example 18. Yes, sir. तो क्या हो रहे हैं देखो आप, ये inclined plane है, ये एंगल 37 डिग्री है, इधर हमने कितना फोर्स लगाया 75 न्यूटन, और यहाँ मास जो दिया वो 10 केजी है, और यहाँ जो फ्रिक्शन कोफिशिएंट दिया हुआ है म्यू, यहाँ म्यू के और म्यू एस दोनों सेम ही है, ये 0.5 दिया हुआ है, तो क्या कह रहा है कि एक्सेलरेशन बताओ। तो देखो कैसे करेंगे, इसका एबीडी बनाओ, तो ये तो समझ में आ रहा है कि इस इंक्लाइन प्लेन के अलोंग ये ब्लॉक मूव करेगा, अगर करेगा तो इसका एबीडी बनाओ, कौन कौन से फोर्स लग रहे हैं देखो, इस पर डाउनवर्ड इसको 10 इंटू जी लगी रहा है, इधर की तरफ इसको 75 न्यूटन लगी रहा है, और इसको नॉर्मल इधर लग रहा है, ओके। अब आप देखो कि अभी सबका रिजल्टेंट पहले देखेंगे, उसके बाद फ्रिक्शन की बात करेंगे, फ्रिक्शन इधर लग रहा है, तो एम जी का एक कंपोनेंट इधर क्या होगा, 10 जी साइन 37, और यहां 10 जी कॉस 37, तो यहां तो नॉर्मल की वैल्यू तो ये आ जाएगी 10 जी कॉस 37, इसको एंडेश मान लेते हैं, हो जाएगा 10 × 10 × 4/5, इससे कितनी बार गया 2, तो कितना हो गया 8, यानी 80 न्यूटन आ रहा है, तो एंड एज तो फ्रिक्शन की मैक्सिमम वैल्यू या काइनेटिक फ्रिक्शन दोनों सेम ही होंगे यहाँ, क्यों? क्योंकि म्यू के और म्यू एस सेम है, तो कितना हो जाएगा म्यू इंटू एंड एज ना, तो 0.5 × 80 कितना हो गया है 40 न्यूटन, तो ये तो मैक्सिमम वैल्यू ही ना। अब यहाँ देखो एम जी का एक कंपोनेंट, तो एम जी की वैल्यू कितनी, यहाँ देखो एम जी साइन 37 की, तो 10 × 10 × 3/5 ये कितना हो गया 60 न्यूटन। आप ये देखो ये ब्लॉक मूव कर रहा है क्या, यहाँ से समझिएगा, देखो फ्रिक्शन की मैक्सिमम वैल्यू क्या आ रही है यहाँ, ये अब इस ब्लॉक पे देखो, मैंने क्या कहा था रिजल्टेंट फोर्सेस पहले देखेंगे उसके बाद फ्रिक्शन की बात करेंगे, तो नेट रिजल्टेंट इस डायरेक्शन में अपवर्ड डायरेक्शन में यानी अलोंग द इंक्लाइंड प्लेन कितना आ रहा है 75 - 60 आ रहा है, यानी मिला के कितना आ रहा है
15 न्यूटन, अगर मान लो इसको स्लाइड भी कराना है तो कम से कम कितना फोर्स चाहिए, 40 न्यूटन। तो आपको लग रहा है कि ये ब्लॉक मूव करेगा, नहीं करेगा, यानी यहाँ कौन सा फ्रिक्शन डेवलप हो जाएगा, स्टैटिक। क्यों? क्योंकि मैक्सिमम वैल्यू ये है, जबकि हमने अप्लाई कितना किया है नेट फोर्स 15 न्यूटन, इसका मतलब यहाँ कितना डेवलप होगा 15 न्यूटन, इसका एक्सेलरेशन क्या हो गया, यहाँ जीरो हो गया। ये बात समझ में आई पहले सबको? अगर ये पीछे जो फ्रिक्शन आ रहा था उसकी वैल्यू, मतलब ये तो 40 न्यूटन तो मैक्सिमम है, अगर ये 15 न्यूटन जो है, अगर 40 न्यूटन से ज्यादा होता, 15 न्यूटन होके 41, 42, 43 भी होता, तो ये ब्लॉक क्या करता, अपवर्ड डायरेक्शन में मूव करता। तो अभी ये क्या ब्लॉक मूव करेगा, नहीं मूव करेगा। ये पॉइंट समझ में आया सबको? समझा। तो ये है इसका, तो इसका एक्सेलरेशन क्या हो गया, यहाँ जीरो हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, ये कौन सा था 18। नेक्स्ट हमारे पास में 19 क्या कह रहा, देखो इन द अबव प्रॉब्लम हाउ मच फोर्स शुड बी एडेड टू 75 न्यूटन फोर्स सो दैट ब्लॉक स्टार्ट्स टू मूव अप द इंक्लाइन, यानी कितना फोर्स और ऐड करें तो जस्ट स्टार्ट हो, है ना, यही मतलब है, जस्ट स्टार्ट हो। तो आप देख रहे हो कि इधर कितना लग रहा है, इधर देखो इसी ब्लॉक पे देखो आप, इधर की तरफ कितना है 15 न्यूटन, इधर कितना आ रहा है 60 न्यूटन, यानी अगर इसको ऊपर की तरफ मूव कराएं तो ये कह रहा है कि इन द अबव प्रॉब्लम हाउ मच फोर्स शुड बी एडेड टू 75 न्यूटन फोर्स सो दैट द ब्लॉक स्टार्ट्स टू मूव अप द इंक्लाइन, यानी वैसे तो स्टार्ट होगा नहीं, लेकिन कितना और ऐड करें फिर भी, क्योंकि फ्रिक्शन की जो वैल्यू है मैक्सिमम, तो वो तो एफ मैक्स, तो 40 न्यूटन है, इसका मतलब कितना और ऐड करें हम लोग यहाँ 25 न्यूटन और ऐड कर दें तो जस्ट बैलेंस कर गया है। इसका मतलब है वैसे तो फोर्स की वैल्यू जो है ना एफ कर देने इक्वल टू ऐड करना चाहिए अपने को, ये यानी मिनिमम कितना हो गया, लेकिन मिनिमम 25 ही हो गया। मिनिमम कितना हो गया 25 न्यूटन ऐड करें इसमें। ये क्लियर है भाई सबको? नेक्स्ट है, फिर से क्या कह रहा है, एग्जाम्पल 19 हो गया, एग्जाम्पल 20 पे जाओ। इन द अबव प्रॉब्लम व्हाट इज द मिनिमम फोर्स बाय विच 75 न्यूटन फोर्स शुड बी रिप्लेस्ड so that the block does not move. अच्छा, अब ध्यान से समझिएगा क्या कह रहा है, ब्लॉक को मूव ना करा, मूव नहीं कराना है, तो अपने को क्या होगा इस केस में, मान लो हमने इसको छोड़ दिया, अब ध्यान से समझिएगा, अगर हमने इसको रिलीज कर दिया तो हमें ये तो समझ में आ रहा है क्योंकि नॉर्मल तो इधर होगा ही, ये एंगल 37 है, ये तो 10g cos 37 जो कि कितना आ रहा था 18 न्यूटन आ रहा है, तो है ना, यानी कितना आ रहा है 18 न्यूटन, और ये इक्वल टू क्या है यहाँ एन डैश है, तो यहाँ अभी भी एफ की मैक्सिमम वैल्यू तो 0.5 × 80 यानी 40 न्यूटन ही है। अब अगर इसको हमने रिप्लेस कर दिया और इधर की तरफ देखो क्या आ रहा है 10g sin 37 जो कि कितना आ रहा है 60 न्यूटन, इसको 75 को हमने रिप्लेस कर दिया लेकिन इसको रेस्ट पे बनाए रखना है, तो इसकी टेंडेंसी वैसे किधर होगी, अगर रिलीज कर देंगे तो नीचे जाने की होगी ना, तो अगर इसकी टेंडेंसी नीचे जाने की है, इधर तो इसको 60 न्यूटन लग ही रहा है, इसको फ्रिक्शन कितना लग रहा है, एफ की मैक्सिमम वैल्यू कितनी आ जाएगी 40 न्यूटन, ये तो स्लाइड कर जाएगा, लेकिन रेस्ट पे लाने के लिए और कितना फोर्स ऐड करना पड़ेगा 20 न्यूटन, जस्ट 20 न्यूटन, ये क्या होगा रुक जाएगा ना, आंसर क्या हो गया 20 न्यूटन। ये समझ में आया, क्योंकि आपने 75 को रिमूव कर दिया है और अब इसको छोड़ दिया, तो सीधी सी बात है कि सिंपल सा कॉन्सेप्ट है कि डाउनवर्ड डायरेक्शन में कितना फोर्स लग रहा है 60 न्यूटन, और फ्रिक्शन की मैक्सिमम वैल्यू 40 न्यूटन है,
लेकिन अपने को रोकना है तो नीचे अगर जाना चाहेगा तो फ्रिक्शन तो पीछे लगेगा क्योंकि मोशन को अपोज करेगा, लेकिन ब्लॉक को रोकना है तो अपवर्ड डायरेक्शन में कितना फोर्स और लगा दे हम लोग, 20 न्यूटन ऑन लगा दे तो मूव क्या करेगा, जस्ट रुक जाएगा ना सर। मेरी आवाज आ रही क्या? यस सर। ये क्लियर है, ये वाला पॉइंट क्लियर है सबको? यस सर। क्लियर है। अब लिख लो भाई, आप लोगों कहाँ से लिखना था? 18 से सर। हाँ बोलो सर। अगर एक्सटर्नल फोर्स और जी एम जी साइन थीटा बैलेंस हो जाए तो स्टैटिक फ्रिक्शन जीरो हो जाएगा ना? बिल्कुल हो जाएगा। ओके सर। ठीक है, मान लो ऐसा हो गया ना, ये जो फोर्स मैंने यहाँ 20 न्यूटन लगाया ना, इसकी जगह अगर मैं 60 न्यूटन लगा दूं, एफ डैश की जगह अगर मैंने 60 न्यूटन अपवर्ड लगा दिया तो फ्रिक्शन की वैल्यू क्या हो जाएगी? यहाँ जीरो हो जाएगी, क्योंकि फ्रिक्शन तो इनका रिजल्टेंट के बाद देखते हैं ना हम लोग। तो ये तो बात हुई थी, मैंने कुछ पॉइंट दिखवाई थी आपको, याद आ रहा हो तो। समझा। तो पहले रिजल्टेंट देखेंगे उसके बाद फ्रिक्शन देखेंगे, तो अगर रिजल्टेंट ही जीरो आ गया तो फ्रिक्शन जीरो। पॉइंट क्लियर? Yes, इसने जो पॉइंट लिखवाया था नोट फॉर्म में वो याद होने चाहिए, अपने आप कॉन्सेप्ट बन जाएगा। ये लिख लिया सबने? लिख के लिख लिया ना? ये भी लिख लिया? लिख लिया ना? हाँ सर, हो गया। नेक्स्ट हमारे पास में 19 हो गया, एग्जाम्पल 19, एग्जाम्पल 20 आप करिए, 20 और 21 यही ना, 20 में ये है ना, टॉप व्यू ऑफ ब्लॉक ऑन टेबल इज शोन। सर वो 21 है। अच्छा तो 21 है तो एग्जाम्पल 21 करो एक तो, और ये कौन सा है, फाइंड मिनिमम म्यू सो दैट द ब्लॉक रिमेंस स्टेशनरी। 22 तो ये भी करो, 21 22 दोनों करो। कल हमारी क्लास कितने बजे बोला मैंने? संडे को ना? संडे को सॉरी, हाँ कल नहीं मतलब संडे को। संडे कितने बजे? 3:30 to 5:30 ओके।
हो गया क्या सर? लास्ट एग्जांपल है. ओके करो. हो गया सर ये दोनों क्वेश्चन. बताओ क्या सर? एग्जांपल 22. एग्जांपल 22 देख लो कैसे करेंगे. एग्जांपल 21 दोनों बता देता हूँ. चलो हो क्या रहा है यहाँ देखो. टॉप व्यू इसने दिया है तो टेबल है. टेबल का टॉप व्यू इसने दिया है. टॉप व्यू ऑफ ब्लॉक ऑन टेबल शोन यानी ये जो आपको व्हाइट बोर्ड दिख रहा है ये टेबल ही मान लो और ये ब्लॉक का टॉप यानी टॉप से देख रहे हैं हम लोग यहाँ. इस ये 10 केजी इसने दिया हुआ है. इधर जो फोर्स है कितना लगा रहा है? इधर फोर्स लगा रहा है 40 न्यूटन और इधर जो फोर्स लगा रहा है वो भी 40 न्यूटन है. इन दोनों का रिजल्टेंट देखेंगे हम लोग. उसके बाद फ्रिक्शन के बारे में बात करेंगे. तो रिजल्टेंट इन दोनों का इधर कितना हो जाएगा? 40√2 न्यूटन हो जाएगा. तो अब यहाँ जो टेबल और इसके बीच में जो फ्रिक्शन कोफिशिएंट दिया है वो म्यू है यानी म्यू के और म्यू एस दोनों इक्वल है. यहाँ 0.5 है. जी की वैल्यू भी दिया है. तो यानी टेबल को अगर आप देखोगे टेबल पर तो ब्लॉक कैसे रखा होगा? तो डाउनवर्ड इसको क्या लग रहा है यहाँ? 10 × g लग रहा होगा. नॉर्मल लग रहा होगा. तो आप यहाँ देखो कि जो फ्रिक्शन होगा एफ मैक्स या एफ के दोनों इक्वल ही आते इस केस में कितना होगा? म्यू इंटू एन डैश. म्यू कितना है? 0.5 इंटू एन डैश कितना है यहाँ? 10 × 10 यानी कितना आ गया? 50 न्यूटन. आप यहाँ देखो ये जो फोर्स है ये फोर्स कितना आ रहा है? 40 × 1.414 कितना आ रहा है? कौन बताएगा? 16 का 1 कितना हो जाएगा? 5 यानी हो जाएगा हमारे पास में 56.56 है ना. और आप देखो कि फ्रिक्शन के मैक्सिमम वैल्यू कितनी आ रही है? ये आ रही है
और ये फोर्स क्या आ रहा है, ये न्यूटन आ रहा है। इसका मतलब हुआ कि इसको फ्रिक्शन किधर लग रहा होगा, यहाँ पीछे की तरफ, जो कि मैक्सिमम वैल्यू तक ही पहुंच जाएगा 15 न्यूटन, है कि नहीं। ये क्या है, स्टैटिक फ्रिक्शन भी मान सकते हो इसको, स्टैटिक फ्रिक्शन तो नहीं मानेंगे कह रहा, तो बात ही नहीं करेंगे क्योंकि ये तो स्लाइड करेगा। तो ये अल्टीमेटली क्या आ जाएगा हमारे पास में, ये एफ के आ जाएगा। इसका एक्सेलरेशन किधर की तरफ होगा, इधर की तरफ। ए एक्सेलरेशन होगा तो कितना लिखोगे आप यहाँ, 56.56 माइनस 50 इक्वल टू 10 इंटू ए, ये इसका आंसर होगा। ले रहे तो सॉल्व कर लो कितना आ गया है, 6.56 इक्वल टू 10 ए, यानी ए की वैल्यू होगी यहाँ 0.656 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ये आंसर होगा। अभी क्लियर है वाला क्वेश्चन, मेरे ख्याल से भी कोई डाउट नहीं होगा। लिख लो इसको जल्दी से, फिर 22 भी एक्सप्लेन करता हूं मैं। लिख लिया? हाँ सर लिख लिया। अब जैसे हम बात करते हैं 22 की, फाइंड मिनिमम म्यू सो दैट द ब्लॉक्स रिमेन स्टेशनरी। मिनिमम म्यू की बात कर रहे हैं, तो यहाँ अपने को कितना दिया हुआ है, 50 केजी दिया हुआ है। यहाँ कितना है, 100 इंटू जी कर देंगे ना, इतना फोर्स लग रहा है। तो रेस्ट पर अगर है तो यानी यहाँ जो टी डेवलप हुआ वो टी की वैल्यू भी क्या होगी, यहाँ यानी टी इक्वल टू 100 इंटू जी आ जाएगा। इसका मतलब यहाँ भी टी और यहाँ भी ये टी है, तो ये टी इक्वल टू क्या होगा यहाँ। तो मिनिमम की बात करने का मतलब है कि फ्रिक्शन अपनी मैक्सिमम वैल्यू तक पहुँच जाए, क्योंकि म्यू की मिनिमम वैल्यू अपने को चाहिए। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब हुआ कि एफ मैक्स इक्वल टू क्या हो जाए, यहाँ म्यू इंटू एन हो जाए, यानी इसका मतलब टी इक्वल टू क्या मिले अपने को, म्यू एन, और टी की वैल्यू कितना है यहाँ, 100 इंटू जी है। यहाँ एन की वैल्यू क्या आ जाएगी इस केस में, क्योंकि वर्टिकली एन लग रहा है, डाउनवर्ड इसको कितना लग रहा है, 50 इंटू जी, यानी एन की वैल्यू यहाँ कितना आ रहा है, 50 इंटू जी आ रहा है, रख दो इसको। तो म्यू 50g इक्वल टू 100 इंटू जी, यानी आप देख रहे हो कि म्यू इक्वल टू कितना आ गया, 2, यही आंसर है। मेरे ख्याल से क्लियर हो गया होगा। भाई क्लियर है सबको, मेरी आवाज आ रही है? तो हमेशा जब भी इस तरह का क्वेश्चन आए तो फ्रिक्शन की अपने मैक्सिमम वैल्यू तक ले जाओ उसको, ठीक है। ऐसे मैक्सिमम वैल्यू तक ले जाएंगे, उसके करस्पोंडिंग म्यू मिनिमम होता है। नेक्स्ट हमारे पास में एग्जांपल 23 है ना, ये फाइंड आउट मिनिमम एक्सेलरेशन ऑफ ब्लॉक ए सो दैट द 10 केजी ब्लॉक डजंट फॉल। ये कौन से नंबर का है आपके, 23। इसको तो मैं बता देता हूँ, एग्जाम्पल 23। इसमें क्या हो रहा है, दरअसल यहाँ ये ब्लॉक है, और यहाँ ये 10 kg का ब्लॉक है। इन दोनों के बीच में, यानी वर्टिकल वॉल के बीच में जो म्यू है वो 0.5 बता रहा है। हमें एक का एक्सेलरेशन बताना है मिनिमम, कि 10 kg ब्लॉक जो है ना वो नीचे ना गिरे। तो क्यों नहीं गिर रहा है, उसका रीजन क्या है, मैं ए के रेस्पेक्ट में जाता हूँ तो
तो 10 केजी ब्लॉक पर शूट ऑफ फोर्स किधर लगेगा? लेफ्ट, ऑपोजिट डायरेक्शन, लेफ्ट में लगेगा। और आप देख रहे हो कि लेफ्ट में लगेगा, तो ब्लॉक ए के रेस्पेक्ट में क्या ये लेफ्ट या राइट जा सकता है क्या भाई? ये बॉल आ जाएगा ना उसके रेस्पेक्ट में जाएगा, तो यानी ब्लॉक ए के रेस्पेक्ट में अगर मूव करेगा तो डाउनवर्ड ही मूव करेगा, क्योंकि जब ए के रेस्पेक्ट में जाएंगे तो ए को रोक देंगे ना, तो क्या करेंगे यहाँ, विद रेस्पेक्ट टू ए चले जाओ। जब आप विद रेस्पेक्ट टू ए जाओगे तो ए को रोक दोगे, तो ए रेस्ट पर आ गया। इसको शूट ऑफ फोर्स कितना लग रहा है? पीछे लगेगा। कितना लगेगा? इसका मास 10 है इनटू ए, ये शूट ऑफ फोर्स लगेगा। इसको यहाँ नॉर्मल कितना लगेगा? इसको ब्लॉक को नॉर्मल इधर लगेगा ना एन डैश, और डाउनवर्ड क्या लगेगा यहाँ इसको 10 इंटू जी लगेगा। हमें ए की मिनिमम वैल्यू चाहिए, इसका मतलब वापस से क्या हुआ, इसका एफबीडी बनाओ, इसका इस ब्लॉक का, इसको नॉर्मल इधर लग रहा है, तो शूट ऑफ फोर्स इधर लग रहा है, तो डाउनवर्ड एमजी लग रहा है, और इसको फ्रिक्शन किधर लगेगा ऊपर। तो मिनिमम वैल्यू मतलब फ्रिक्शन की अपनी मैक्सिमम वैल्यू, तो वो क्या होगा, म्यू इनटू एन डैश होगा, क्योंकि यहां नॉर्मल कितना आ रहा है, एन डैश आ रहा है। ये बात समझ में आई सबको? क्योंकि फ्रिक्शन की मैक्सिमम वैल्यू तक लेके जाए तो फ्रिक्शन की मैक्सिमम वैल्यू क्या होगी, म्यू इनटू एन डैश, एन डैश जो सरफेस से आ रहा होगा। तो यहाँ एन डैश की वैल्यू कितना है, एन इंटू ए है, और यहाँ एम जी इक्वल टू क्या हो जाना चाहिए, म्यू एन डैश, तो म्यू इंटू टेन ए। तो एम की वैल्यू तो यहाँ कितना है, ये तो 10 इंटू जी तो है, तो ये 10 इंटू जी हो गया। तो आप देख रहे हो कि 10 से 10 कैंसिल आउट हो गया, तो ए इक्वल टू कितना आ गया, जी बाई म्यू आ गया। जी की वैल्यू कितना है यहाँ, 10 ले लेंगे। म्यू की वैल्यू कितना दिया है इसने यहाँ, 0.5 दिया है, तो ए कितना आ गया, 20 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। यानी 20 मीटर पर सेकंड स्क्वायर अगर इसका एक्सेलरेशन है तो ब्लॉक गिरेगा नहीं। ये लॉजिक समझ में आया सबको? सर तो लिख लो इसको। फिर ये क्वेश्चन बताओ मुझे, दो ब्लॉक हॉरिजॉन्टल में है, फाइंड द टेंशन स्ट्रिंग इन सिचुएशन एज शोन इन द फिगर बिलो, कौन से नंबर का है? 24 है ना आपके? हाँ सर 24 है। ठीक है, इसको भी बता देता हूँ मैं। लिख लो इसको। हाँ सर लिख लिया। बाकी लोगों ने भी लिख लिया? चलो अब ये क्वेश्चन क्या कह रहा है समझना पड़ेगा अपने को। ये कितने का है, 10 केजी का। ये कितने का, 10 केजी का। इधर कितना लग रहा है, 120 न्यूटन। दूसरा वाला 20 केजी का है। अच्छा ये रोप है, इधर इसने कितना लगाया, 100 न्यूटन। यहाँ एफएस कितना दिया है इसने, इसने पहले दे दिया है, यानी ये मैक्सिमम वैल्यू दिया हुआ है। कह रहा है फाइंड द टेंशन द स्ट्रिंग इन सिचुएशन एज शोन इन द फिगर बिलो, फोर्सेस 120 न्यूटन 100 न्यूटन स्टार्ट एक्टिंग व्हेन द सिस्टम इज एट रेस्ट एंड द मैक्सिमम वैल्यू इज स्टैटिक फ्रिक्शन। यानी अपने को इसके मैक्सिमम वैल्यू दे दिया, कितना है, 90 न्यूटन है। यहाँ भी स्टैटिक फ्रिक्शन की मैक्सिमम वैल्यू दे दिया है 60 न्यूटन। अब एक चीज बताइए, अगर ये पूरा सिस्टम मूव करता है मान लो, तो किधर मूव करना चाहेगा,
ये किधर मूव करना चाहेगा पूरा सिस्टम, लेफ्ट या राइट में? राइट भाई. 120 बड़ा होता है कि 100 बड़ा होता है? 120 सर. क्या बात है यार, 120 बड़ा होता है. तो फिर किसे मूव करेगा? लेफ्ट में मूव करेगा ना. हाँ सर. अरे भाई 120 है तो 120 120 100 से ज्यादा होता है, तो 120 की साइड ही तो मूव करेगा. यस सर. बना रहा है इतनी. हाँ, तो गणित आती है कि 120 100 से बड़ा होता है. तो इसका मतलब, लेकिन आप एक बार बताइए, अगर ये स्लाइड करेगा तो फ्रिक्शन किधर लगेगा? अगर लेफ्ट साइड में जाएगा तो ब्लॉक ए ब्लॉक बी को फ्रिक्शन किधर लगेगा? राइट में. राइट में लगेगा. तो ये दोनों फोर्स भी ऐड हो जाएंगे. यस सर. तो इसका मतलब 100 + 150 है तो 250 हो गया. लेकिन राइट साइड लेफ्ट साइड में कितना लगाया हमने? 120. तो क्या सिस्टम मूव करेगा क्या? अब आप कहेंगे सर इसका मतलब तो लेफ्ट में मूव कर रहा था वो. तो बेटा लेफ्ट में अगर मूव करेगा तो फ्रिक्शन तो मोशन को अपोज करेगा, तो फ्रिक्शन तो उस केस में लेफ्ट में चला जाएगा ना. तो फ्रिक्शन वैसे भी जो रिजल्टेंट फोर्सेस आते हैं उनके अपोजिट देखा जाता है. ये कॉन्सेप्ट याद है? वो जो नोट लिखवाया था, 3-4 पॉइंट लिखवाए, तो वही भेजे में घुसाए घुसाए कि नहीं घुसाए उनको? अगर वो भेजे में नहीं डाला है तो डालो, तभी आगे की चीजें समझ में आएगी. तो फ्रिक्शन के लिए क्या करते हैं, सारे फोर्सेस का रिजल्टेंट अलोंग द सरफेस देख के फ्रिक्शन को उस रिजल्टेंट के अपोजिट किया जाता है. तो रिजल्टेंट फोर्स किधर दिख रहा है आपको? 120 माइनस 100 यानी 20 किधर दिख रहा है? लेफ्ट साइड में. इसका मतलब फ्रिक्शन कितना डेवलप होगा? 20 डेवलप होगा यहाँ, क्योंकि उसको मूव कराने के लिए कम से कम कितना और चाहिए अपने को राइट लेफ्ट साइड में? 150 चाहिए. मतलब कितना और चाहिए? 20 तो आ ही रहा है, यानी 130 और चाहिए एक तरह से. वो तो अवेलेबल ही नहीं है. तो सिस्टम मूव कर रहा है क्या? सिस्टम रेस्ट पर है. यस सर. सिस्टम क्या है? ये समझ में आया कि सिस्टम रेस्ट पर है? हाँ सर. भाई नहीं नहीं, आपको तो समझ में आया, बाकी लोगों को समझ में आया नहीं है? बाकी की तो आवाज ही नहीं आया सर समझ में. यस सर. अब क्या करेंगे हम लोग, क्योंकि ए ब्लॉक भी रेस्ट पर है और बी ब्लॉक भी रेस्ट पर है. तो इसका मतलब हुआ कि नेट फोर्स ए पर भी जीरो होना चाहिए, नेट फोर्स बी पर भी जीरो होना चाहिए. चलो एक एक करके बात करते हैं. मैंने मान लिया कि सिस्टम लेफ्ट में मूव कर रहा है, पहला केस है ना, मतलब उधर ही टेंडेंसी है ना इसकी. तो क्या होगा, इधर कितना लगाया हमने ए पर? इधर 120 न्यूटन है. तो एक बात तो याद रखिएगा, पहले इसमें क्या होगा, जब तक ये सरफेस यानी जब तक ये ब्लॉक की टेंडेंसी आगे स्लाइड करने की नहीं होगी तब तक टेंशन नहीं आता है. तो इस केस में आप देखोगे कि इसका मतलब फ्रिक्शन कितना आ जाएगा, यहाँ मैक्सिमम वैल्यू तक पहुंच जाएगा. तो ये रेस्ट पर है तो यहाँ टेंशन कितना आना चाहिए? 30 न्यूटन आना चाहिए. ये बात सुनवाई. और अगर यहाँ 30 न्यूटन आना चाहिए तो आप देख रहे हो कि यहाँ कितना लग रहा है, 100 न्यूटन. यहाँ कितना आया? 30 न्यूटन. इसका मतलब यहाँ फ्रिक्शन इधर कितना आना चाहिए? 70 न्यूटन. फ्रिक्शन की मैक्सिमम वैल्यू तो 60 न्यूटन ही है. 60 न्यूटन से ज्यादा फ्रिक्शन हो सकता है क्या? भाई स्टैटिक फ्रिक्शन की वैल्यू तो एफ मैक्स और जीरो के बीच में लाई करती है. ये जो इसका दिया है दरअसल क्या है, ये एफ मैक्स ही तो है. तो एफ मैक्स से ज्यादा हो सकता है क्या फ्रिक्शन? नहीं हो सकता. इसका मतलब हमने जो माना है इधर ये गलत मान लिया, यानी ये नहीं हो सकता, ये नॉट पॉसिबल है. इसका मतलब इसके टेंडेंसी उधर स्लाइड करने की नहीं हो रही अभी, क्योंकि देख समझ आया, क्योंकि इस पर भी नेट फोर्स क्या होना चाहिए? जीरो. तो अगर यहाँ टेंशन 30 न्यूटन आया है तो इसको बैलेंस कराने के लिए फ्रिक्शन इधर कितना आना चाहिए? 70 न्यूटन. हो सकता है क्या? मैक्सिमम वैल्यू भी 60 है. इसका मतलब ऐसा नहीं है. तो अब मैं स्टार्ट करूंगा, यानी पहले मैंने लेफ्ट से राइट गया. मैं कैसे गया? लेफ्ट टू राइट. तो ये तो रॉन्ग आ गया. अब मैं जाऊंगा सेकंड केस में, राइट टू लेफ्ट. तो राइट टू लेफ्ट अगर मैं जाऊंगा तो ध्यान से देखिएगा, इसको कितना लगाया मैंने इधर?
ये ब्लॉक क्या लिया हमने, बी है 100 न्यूटन, तो इसका मतलब पहले क्या करेगा, टेंशन बाद में आता है क्योंकि पहले सरफेस से तो स्लाइड करे तब ना वो रॉप पे जाएगा, तो फ्रिक्शन यहाँ कितना डेवलप हो जाएगा 60 न्यूटन, क्योंकि 100 लगाया उससे तो ज्यादा ही है, तो यहाँ इसका मतलब है कितना आना चाहिए 40 न्यूटन, तो टेंशन कितना डेवलप होना चाहिए 40 न्यूटन, इसका मतलब ये 40 न्यूटन है, तो ये भी कितना होगा यहाँ 40 न्यूटन। अब यहाँ देखो यहाँ कितना है, ये तो 120 है, इसका मतलब ये 40 इसको बैलेंस कराने के लिए इधर कितना आना चाहिए, क्योंकि अगर टी 40 न्यूटन आया है तो कितना आना चाहिए 80 न्यूटन आना चाहिए, यानी 90 से कम है, इसका मतलब ये सही है, तो टेंशन कितना आ गया, यानी आंसर आ गया कितना आ गया हमारे पास में आंसर 40 न्यूटन। और यहाँ तो फ्रिक्शन अपने मैक्सिमम वैल्यू तक पहुंच गया, किस पर, बी पर, लेकिन ए पर फ्रिक्शन की, अब फ्रिक्शन अपनी मैक्सिमम वैल्यू तक नहीं पहुंचा, उसकी कोई इंटरमीडिएट वैल्यूज पर पहुंचा है 80 न्यूटन पर, तो स्टैटिक फ्रिक्शन तो मैक्सिमम वैल्यू और जीरो के बीच में लाई करता, तो 80 न्यूटन तो हो ही सकता है, तो आंसर क्या हो गया 40 न्यूटन। ये बात समझ में आई? यस सर। तो लिख लो इसको, क्या हो गया? हाँ अब ये भी करा देता हूं मैं, एग्जांपल ये 25 है क्या आपके, ये वाला क्वेश्चन In the following figure, force F is gradually increased from zero. ये मालूम है? ये कौन सा है? Question number 25 है ना? हाँ सर। Example 25, ये भी कर लेते हैं, ये भी अच्छा क्वेश्चन है। और जितने भी क्वेश्चन मैंने करवाए क्वेश्चन वापस से करिएगा, ठीक है? रिवाइज कर लीजिएगा आज, तभी आगे की चीजें क्लियर होगी, नहीं तो फिर कहोगे कि समझ में नहीं आया, वो समझ में नहीं आया। तो क्या दिया हुआ, देखो ग्राफ भी बनाना है, ये हमारे पास में बॉल है, और जो भी डाउट है आप ग्रुप पे डाल दिया करो, मैं डिस्कस कर लिया करूंगा, लेकिन मेहनत करो बस, आप लोगों का हाथ में एक ही काम है, पढ़ाई करना, इसके अलावा न घर वाले आपको ये बोलते हैं कि सब्जी लेकर आ बेटा, या दिवाली आ रही तो दिवाली की सफाई कर, ऐसा भी नहीं है, तो उसे पढ़ाई करना है, बाकी और कोई नौटंकी नहीं चलेगी। अब In the following figure, force F is gradually increased from zero. Draw the graph between applied force F and tension T in the string. The coefficient of static friction between the block and the ground is mu. अब यहाँ देखो ये ब्लॉक कभी मूव ही नहीं करेगा, क्यों? क्योंकि स्ट्रिंग यहाँ लगी हुई है, लेकिन क्या होगा यहाँ जो आप देखोगे कि F max maximum कितना होगा, mu s n होगा, और n की वैल्यू क्या होगी इस केस में, ये नॉर्मल होगा डाउनवर्ड m इंटू जी होगा, तो नॉर्मल की वैल्यू क्या है यहाँ m इंटू जी है, इसका मतलब फ्रिक्शन की मैक्सिमम वैल्यू कितनी यहाँ म्यू एस कैपिटल m इंटू जी होगा। ये बात समझ में आई? अब f और t के बीच में, तो ध्यान से समझ में जाएगा, पहला केस अगर f की वैल्यू लेस देन इक्वल टू म्यू एस एम जी है तो टेंशन हमेशा जीरो मिलेगा, देख लो भले आप,
क्योंकि अगर आप f की वैल्यू म्यू एस mg भी लगाते हो तो इस स्ट्रिंग लगने की वजह से ये तो स्लाइड तो करेगा नहीं, तो फ्रिक्शन अपनी मैक्सिमम वैल्यू तो पहुंच जाएगा, वो तो बैलेंस कर जाएगा ना, है ना, एक ही नहीं हरी बात सुन में। तो इसका ग्राफ अगर आप बनाओगे, क्योंकि आप खुद ही देखो, अगर दूसरा केस लेता हूं पहले उस पर बात करता हूं, अगर f की वैल्यू, तो पहला केस हो गया और गड़दे जीरो लगाएंगे या इक्वल टू जीरो लगाएंगे, ठीक है, तो अभी ये रहेगा, तो हमें किस किस के बीच में चाहिए, हमें t और कैपिटल f के बीच में चाहिए, तो t तो बढ़ी नहीं रहा है लेकिन f तो बढ़ता जा रहा है, तो यहां तक बढ़ेगा f, लेकिन जैसे आप f की वैल्यू म्यू एस एम जी लगाओगे तो क्या हो जाएगा, फ्री बॉडी डायग्राम बनाओ, क्योंकि f आपने इधर लगाया लेकिन इससे ज्यादा है, यहाँ क्या लगेगा, ये म्यू एस एम जी तो हो ही जाएगा, क्रॉस कर जाएगा, उसके बाद टेंशन आने लगेगा, तो पहले ग्राउंड होना चाहिए, ग्राउंड को स्लाइड करके आगे जाना चाहिए, तब t की बात करेंगे हम लोग। तो इस केस में देखा जाए तो अभी भी रेस्ट पर ही है, तो क्या हो जाएगा, ये f इक्वल टू t प्लस म्यू एस एम जी, यानी t इक्वल टू मिलेगा f माइनस म्यू एस एम जी, तो आप देख रहे हो कि f और t में स्ट्रेट लाइन है, तो ये ऐसे बढ़ता जाएगा ना, और यहाँ देखो इसका स्लोप भी क्या हो रहा है, देखो 1 आ रहा है ना, क्योंकि इसको डिफरेंशिएट करके देख लो, देखो dt/dF देखो कितना आ रहा है, 1 ही तो आ रहा है, इसका मतलब ये एंगल क्या मिलेगा आपको, 45 डिग्री मिलेगा, तो ये ग्राफ होगा इसका, मेरे ख्याल से बात समझ में आ गई होगी, तो जब इससे ज्यादा होगा तभी टेंशन आएगा, तब तक कोई टेंशन वहां डेवलप होगा ही नहीं, अगर ऐसा रहा पहले केस की तरह रहा तो टेंशन क्या बना रहेगा, जीरो बना रहेगा, ये बात समझ में आ गई। और हमेशा क्या याद रखना है कि पहले सरफेस से स्लाइड करनेगा हो, अगर स्लाइड करने की टेंडेंसी तब वो टेंशन पे जाएगा, पहले रोप में टेंशन नहीं आएगा, पहले फ्रिक्शन आएगा, और फ्रिक्शन से ज्यादा अगर फोर्स अप्लाई करोगे तब टेंशन आएगा, और अगर फ्रिक्शन की मैक्सिमम वैल्यू से कम फोर्स आपने अप्लाई किया तो फिर टेंशन क्या बना रहेगा, जीरो बना रहेगा। तो आज इतना ही करेंगे, और अब आप इसका भी होमवर्क करना शुरू कर दो, मैंने क्या क्या दिया था इसका होमवर्क में, सर एक्सरसाइज 1 का सेक्शन ए एंड बी, एयर भी दिया ना अभी, तो कर लिया आप लोगों ने, यस सर, तो ए भी कर लिया, तो अब इसका एक्सरसाइज 3 भी सॉल्व करना शुरू कर दो, क्योंकि अभी सी नहीं दूंगा मैं, सी के लिए तो अभी दे गया हमारा 2 ब्लॉक सिस्टम बताऊंगा मैं, उसके बाद सी का दूंगा मैं, यानी यहाँ से स्टार्ट करेंगे 2 ब्लॉक्स प्रॉब्लम्स, है ना, फिर उसके बाद वो क्वेश्चन, उसके बाद एक टॉपिक हो भी जाएगा, फिर 1-2 क्वेश्चन और एक्स्ट्रा करवाऊंगा मैं समझने के लिए आप लोगों के लिए, और आपसे भी प्रैक्टिस के लिए दूंगा। अच्छा ये एग्जांपल कौन सा है आपके, फोर्स एफ इज ग्रेजुअली इंक्रीज फ्रॉम जीरो, डिटरमाइन वेदर द ब्लॉक विल फर्स्ट स्लाइड और लिफ्ट अप, 26 तो करना है ये क्वेश्चन आपको, 26 करना है और एक्सरसाइज 3 करना है, ठीक है, उसके बाद में आगे वाले क्वेश्चन नेक्स्ट क्लास में करेंगे हम लोग। चलो, और संडे को 3:30 से क्लास है, लिख लिया, ओके, बाय बाय, बाय सर, बाय सर।